Enemy! Enemy down! हेलो गाइस, तो आप सबका वेलकम है एक और नए गेम प्ले में। और आज हम यहाँ पे खेल रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट विद सोलो वर्सेस स्क्वाड। एक सेकंड, सोलो वर्सेस स्क्वाड ये क्या? और इस गेम प्ले में कुछ ज़्यादा किल तो नहीं होते, मतलब कि अपना कोई पुराना वाला रिकॉर्ड नहीं टूट जाता, लेकिन हाँ यहाँ पर ठीक ठाक किल्स हो जाते हैं और तुम्हें कुछ अच्छे अच्छे क्लस भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। अब देखो यार, स्टार्टिंग में मैंने इतना कुछ अच्छा बोल दिया तो भाई वीडियो तुम पूरा एंड तक जरूर देखोगे। तो आज हम यहाँ पर उतरने वाले थे भाई फैक्ट्री में, और भाई फैक्ट्री में कोई भी नहीं आता, मतलब कि यहाँ पर हम अकेले आते हैं और यहाँ पर हम आराम से लूटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि बेसिकली हम यहाँ पर आराम से लूट रहते हैं और हमें आके यहाँ पर डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमें डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पर एक और बॉट भी आ जाते हैं जिनका जो किल्स होता है वो हमारा था शायद, क्या मतलब कि इन्होंने बॉट ही मारा क्या? अब मुझे पता नहीं इन्होंने बॉट मारा या फिर क्या मारा, लेकिन यहाँ पर नीचे से फायरिंग आई थी। यहाँ पर मैं बोल दिया कि भाई इन्होंने बॉट को ही मारा शायद, क्योंकि यहाँ पर मुझे बंदे की फुटेज आ गए थे। अब यहाँ पर ये बंदे होते वो मुझे देख लेते हैं और यहाँ पर ये बंदे होते मेरे पे मतलब अंधाधुंध पुश कर देते हैं। तो भाई अब देखना, यहाँ पर अब ये बंदा तो वो ओपन में आ जाता है, तो इसको यहाँ पर मैं सीधा नॉक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको फिनिश तो नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर इसके जो टीममेट होता है वो स्मोक कर देता है। और भाई अब देखना यहाँ पर क्या है स्कैम होने वाले इन बंदों के साथ। बूम, और यहाँ पर एक नेट से यहाँ पर फट जाते हैं ये बंदे। और ये बंदे खेल रहे थे डुओ वर्सेस स्क्वाड और तुम्हारा भाई खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो अब यहाँ पर इन दोनों बंदों को आराम से लूटेंगे और फिर इनको लूट के चलेंगे आगे की तरफ। और यहाँ पर तुम्हारे भाई को मिल जाती है बग्गी, और बग्गी लेके मैं चलता हूँ थोड़ा आगे की तरफ। और यहाँ पर मुझे एक बंदे की साउंड आ जाती है, मतलब कि उस बंदे की फोटेज आ जाते हैं, लेकिन मुझे बंदा शो नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं बग्गी होती वो दूसरी बार घुमा लेता हूँ। और यहाँ पर एक बोट मिल जाता है जो कि बेसिकली नॉक किया हुआ था किसी बंदे ने। तो यहाँ पर हम किसी बंदे का किल चुरा लेते हैं, मतलब कि पता नहीं किसका था, लेकिन हम यहाँ पर किल चुरा लेते हैं। और यहाँ पर स्टेडियम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग आती है, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ यहाँ पर एक बंदा मुझे शो हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पर फायरिंग करता है। और अब देखना यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं इंटेंस वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलने वाला। तो देखना यहाँ पर अब यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो कट कर दिया क्योंकि ये बंदा होता है वो ऊपर से कूद के आ जाता है। और अब देखना यहाँ पर अब इस बंदों को स्प्रे देता हूँ, लेकिन मतलब तो कवर में आ जाता है और ये बंदा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। मैं यहाँ पे मॉली भी कर देता हूँ, लेकिन भाई वो बंदा पीछे जाता है, लेकिन वो बंदा पेड़ के पीछे जाता है तो मुझे एम नहीं मिल पाता। और यहाँ पर वो बंदा भी मुझे डैमेज देता है और मैं भी उसको डैमेज देता हूँ। तो ये बंदा फाइनल स्मोक करके मेरे पे पुश कर देता है। अब देखो मेरे पास दो चीज़ें थी, पहली थी एस्ट्रोल के और दूसरी चीज़ थी टीपी भी। और देखना इसका यहाँ पे पूरा का पूरा फायदा उठाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं इसको नॉक कर देता हूँ। अब देखो ये बंदा जहाँ पे नॉक वहीं पे रहा, मतलब वहीं से जरा सा भी हिलाने की तो इसको पता था कि मेरी मौत आ चुकी है। अब यहाँ पर मेरे को मरना है क्योंकि बंदा मुझे नॉक करके सीधा फिनिश ही करेगा और मैं यहाँ पे सीधा इसको फिनिश कर दूंगा। और यहाँ से मैं बग्गी उठा के चलता हूँ दूसरे बंदे की, मतलब कि जो बंदा आपको पहले शो किया होगा, तो मैं आता हूँ उसके पास और इसको यहाँ पे सीधा नॉक करता हूँ और इसको यहाँ पे सीधा फिनिश करता हूँ। और इसका जो टीममेट है वो आगे की तरफ है और वो बंदा भी ऑफलाइन ही है। तो यहाँ पर इसको भी मैं नॉक करता हूँ और यहाँ पर एक और बोर्ड भैया जी मिल जाएंगे, तो इनको भी यहाँ पर फिनिश कर देंगे। लेकिन इन बंदे को यहाँ पर फिनिश करेंगे और फिर यहाँ पर इनको लूटेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लूट की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब आगे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग साउंड आ रही थी, इसलिए यहाँ पर ही मैं रुक जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे बंदे दिख जाते हैं, मतलब तीन बंदे दिखते हैं जिनमें से एक बंदा नॉक होता है और एक बंदा होता है उसका टीममेट होता है और एक और बंदा होता है जो दूसरा होता है। तो यहाँ पर जो बंदा नॉक होता है इसको यहाँ पर मैं सीधा फिनिश करता हूँ, मतलब कि किल चुराता हूँ। और जो बंदा जिंदा था उसको जो दूसरा बंदा था वो पेल देता है, लेकिन मैं यहाँ पर उस बंदे को भी डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा तो कवर में चला जाता है। तो यहाँ पर मैं व्हीकल उठा के इस पर पुश कर देता हूँ, पुश नहीं करता मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं ये चेक कर रहा था ये बंदा कहाँ पर है, क्योंकि यार मुझे पता था बंदा पेड़ के पीछे, लेकिन यहाँ पर ये बंदा थोड़ा ओपन में आएगा तो मैं इसको पेलूंगा। अदरवाइज अगर क्लोज रेंज में गया ना तो बंदे के पास एस टूल क्योंकि और भाई दो शॉट चिपकाएगा और यहाँ पर मेरा काम फिनिश। और तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है और इसको मारने के लिए बंदा ओपन में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका फायदा उठा के इसको यहाँ पर सीधा नॉक करता हूँ और यहाँ पर मुझे दूसरा बंदा भी शो जाता है। यहाँ पर मैं इसको भी डैमेज देता हूँ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था। और यहाँ पर मैं पुश कर देता हूँ व्हीकल लेके, लेकिन जैसे यहाँ पर आता हूँ ये बंदा व्हीकल लेके भाग जाता है। अब मैंने सोचा चलो भाई जो बंदा नॉक पड़ा इसको यहाँ पर जाकर फिनिश करेंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर व्हीकल लेके आता हूँ मुझे यहाँ पर ये लगा कि ये बंदा नॉक है, इस पर मैं व्हीकल चढ़ा दिया और ये बंदा स्क्वाड का लास्ट बंदा था। और यहाँ पर मुझे ये लगा कि ये बंदा जो है वो नॉक ही पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बंदा यहाँ पर लेटा हुआ होता है। तो यहाँ पर इस बंदे के साथ ये स्क्वाड वाइप हो जाती है और यहाँ पर इनको लूट लेते हैं क्योंकि यार लूटना जरूरी है यार, ठीक है। अब उस स्क्वाड के बंदों की पेटी को लूट के मैं आराम से यहाँ पर अच्छे बच्चे की तरह जा रहा था, मतलब कि यहाँ पर मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा था, मैं आराम से अपने रास्ते पर जा रहा था। और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदा स्प्रे आता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को हीलिंग होती है वो मेरे डाउन हो जाते हैं। और ये स्प्रे आता है थर्ड की तरफ से या फिर जो सेंटर रोड के ऊपर वाले जो घर होते हैं उधर से मेरे पे स्प्रे आता है, खतरनाक स्प्रे आता है। और यहाँ पे आके मैं रुक जाता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने होता है एक बोट भैया जी, तो यहाँ पर मैं उनको सीधा फिनिश करता हूँ। और वो सामने वाले बंदे थे वो चिपका रहे थे कार 900, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सेफ रहता हूँ।
और यहाँ पर एक पीछे बंदा भाग रहा था, और देखना इस बंदे के साथ क्या स्कैम होता था। अभी बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज था, और यहाँ पे मेरी जो गोलियाँ थी वो सीधी हेड पे लग जाती है, तो यार बंदा फिनिश हो जाता है। और फिर हम यहाँ से व्हीकल उठा कर चलते हैं जोन की तरफ की, मतलब कि जोन में तो नहीं जाएंगे अभी, लेकिन यहाँ से हम लोग पुल पे जैसे ही जा रहे थे और यहाँ पे मुझे साउंड आ जाती है थर्डल की तरफ से, क्योंकि यार थर्डल में काफ़ी ज़्यादा बंदे फायरिंग कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने एक बात मान ली कि भाई थर्डल में तो पूरा का पूरा स्कोर होगा, मतलब कि ये बात मैंने मानी है, ठीक है, पूरा का पूरा स्कोर नहीं होता उधर। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऊपर पत्थर के पास, क्योंकि वो बंदे कितनी फाइट कर ले भाई, उनको आना तो जोन में ही है। यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि ये बंदे जोन में आएंगे और मैं इनकी पेटियाँ बना लूँगा, मैंने मान के लिया, मतलब कि मैं पेटियाँ बना दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं मैंने सिर्फ मारना है, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इनकी पेटियाँ भी बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इन बंदों की फाइट हो जाती है। और यहाँ पर एक बंदा पहले से नॉक पड़ा था और उसका जो टीममेट होता है वो दूसरे बंदे को पेल देता है, लेकिन तुम्हारा भाई होता है वो दूसरे बंदे को पेल देता है, और यहाँ पर एक बंदा तो पहले से ही नॉक था, तो भाई इसके साथ ये स्कोर भी वाइप हो जाती है, मतलब कि जो भी स्कोर थी मतलब को सारे बंदे मर चुके थे, सिर्फ यहाँ पर एक बंदा बचा था मेरे अलावा। और यहाँ पर होता है वो मैं बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि यार बंदा कहाँ पर है, क्योंकि यार मुझे बंदा की लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी। और तभी बंदा होता है वो AWM चिपकाता है, लेकिन भाई इसकी जो गोली होती है मेरे आसपास से भी नहीं गुजरी, ठीक है, पता नहीं उसने कहाँ पर चिपकाई, लेकिन भाई उसने AWM चिपका दी, और जैसे इसने एक गोली मारी फिर उसने दूसरी गोली चिपकाई। अब देखो यार वो बंदा कहाँ मारा था, किसको मारा था, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन उस बंदे ने चिपकाई और मुझे उस बंदे की लोकेशन पता चल चुकी थी। और जैसे ही बंदा होता है वो जोन में आने के लिए पानी में कूदता है, और तभी मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज तो नहीं, मतलब कि 50% उसको डैमेज दे देता हूँ। और तुम्हें भी पता है कि पानी के अंदर तुम लोग हीलिंग कर ही नहीं सकते, और हीलिंग करने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा, और बाहर तो मैं आने दूंगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, मैं बाहर आने ही नहीं दूंगा उसको, तो फिर हीलिंग कैसे करेगा। और यहाँ पर ये बंदा होता है मतलब बाहर नहीं आता, जैसे पानी के ऊपर आता है मैं उसकी पेटी बना देता हूँ, और इसके बाद हो जाता है हमारा विनर विनर चिकन डिनर। अगर ये गेम प्ले तुम्हें कहीं से भी अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो मतलब कि कहीं से आगे घूमते फिरते तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हम सब फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो या फिर गेम प्ले में। बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only